एक कहानी है रूप ते बसंत दी। शायद साढ़े चो बहुतियां नूं पता नहीं होना कि रूप ते बसंत भी इसे पंजाब दे पुत सी। रूपड़ दे नेड़े पिंड संघोल दे विच जम्मे ते वड्डे होए। संघोल दा नां उन्नी दिनी संगला दीप सी। सतलुज दे किनारे ते आले दुआले दरियावां ते चोआं दे नाल घिरिया होया। संगलादीप राजधानी सी महाराजा खड़ग सेन दी। खड़ग सेन दे दो पुत सी, रूप ते बसंत। खड़ग सेन दी महिमा दूर दूर तक सी। पर राजा खड़ग सेन नू एक चिंता सी, उसकी राणी रूपवती लंबे समय तो बीमार सी। दूरों दूरों वैद हकीम सद्दे गए, इलाज चल रहा सी, पर रूपवती अजे भी मंजे नाल लगी हुई सी। रब दी करनी एक दिन अजिहा आया जदों रूपवती रब नू प्यारी हो गई। राजा खड़ग सेन ते दुखां दा पहाड़ टुट गया। रूप ते बसंत दा रो रो के बुरा हाल सी। राजा खड़ग सेन ने अपने आप नू कमरे च बंद कर लिया। अखीर वजीरां मंत्रियां ने प्रजा दे दुखां दा वास्ता पाया ते राजे नू व्याह दे लई राजी कर लिया। संगलादीप दे ही एक सरदार इंदर सेन दी धी चंद्रवती दे नाल राजे दा व्याह हो गया। राजे नू सतलुज दे पानी फेर चलकारे मारदे दिखाई दित्ते, महलां दे विच फेर रौनकां मुड़ आईयां। चंद्रवती ते राजा खड़ग सेन दी उम्र दा दुगणे तो ज्यादा दा फर्क सी। राजा खड़ग सेन ना चंद्रवती नू शरीरिक संतुष्टि दे सकदा सी ते ना मानसिक तौर ते चंद्रवती खुश सी। चंद्रवती की उम्र ही की सी 17-18 साल। वो उम्र जदों उसका दिल करता सी कि वह हाणदियां नाल बैठ के हसे खेडे अठखेलियां करे। सतलुज के किनारे पगडंडियां ते दौड़ के दूर दिसदे पहाड़ां दीआं चढ़ाइयां करे। उधर रूप ते बसंत भी जवानी की दहलीज ते कदम रख चुके सी। रूप 16 साल का हो चुका सी ते बसंत की उम्र करीब 14 साल सी। रूप नू शिकार खेडण दा शौक सी ते बसंत नू शौक सी कबूतर उड़ाउण दा। एक दिन बसंत अपने कबूतरां दे नाल खेड रहा सी कि एक कबूतर उड़ के राणी चंद्रवती दी बारी च आ बैठा। राणी चंद्रवती ने कबूतर फड़ के टोकरी थले लुको लिया। बसंत जदों राणी दे महलां चों कबूतर लैण आया तां राणी चंद्रवती बसंत दी जवानी ते सुहापण ते कीली गई। राणी बसंत नूं अपने आराम घर च लै गई ते उस दे नाल सौण दी पेशकश कीती। बसंत मां दे रिश्ते दी लाज रखण दीआं नसीहतां दिंदा ते हाड़े कढ़दा उत्थों तुर पिया। पर राणी ने पिछों आवाज़ मार के कहा, बसंत जा तां रिहा पर याद रखी इस दी सज़ा बहुत भयानक होएगी। सूरज डुब्या, राजा खड़ग सेन दरबार तों महलां वल परतिया। आराम घर च दाखिल होया तां चंद्रवती पाटे कपड़े खिलरे वालां दे नाल पलंग ते मूधे मूह पई सी। राजे ने जिवें ही चंद्रवती नूं फड़ के हिलाया तां चंद्रवती भुब्बां मार के उच्ची उच्ची रोण करलाउण मचाउण लगी। राजन, तुहाडे पुत्तर बसंत ने अज मेरे नाल जबरदस्ती करन दी कोशिश कीती है। राजे नूं जदों उसदी गल ते यकीन ना आया तां चंद्रवती ने अपना आखरी तीर चलाया। हाँ हाँ, मेरी तुसीं क्यों मन्नोगे, वह तुहाडा परिवार है, मैं तो सिर्फ तुहाडे मन परचावे दे लई खरीद के लियांदी गई है। आखिर राजा इस सब दे सामने पिघल गया ते उसने चंद्रवती नूं बचन दे दिता। दूजे दिन तड़कसार बसंत नूं दरबार च सद लिया गया ते बगैर उसका पक्ष सुने उसनूं देश निकाला दे दिता गया। अपनी मरी हुई मां नूं चेते करदे हुए बसंत ने महलां नूं राजे नूं नमस्कार कीती ते अपना घोड़ा लैके जंगल वल चाले पा दिते। अजे कुछ दूर ही गया सी कि रूप भी उसके नाल आ रहा है। जंगल पहाड़ बियाबान पार करते हुए उस संघने जंगलों के विच जा वड़े। बसंत ने कहा, रूप असी दोवें थक चुके हैं, पर तू वड्डा है, तू पहला सौ ला, मैं उदों तक पहरा देवांगा, फिर अद्धी रात तो बाद तू उठ के पहरा देवी ते मैं सौ लवांगा।
रूप गूढ़ी नींद सौ गया ते बसंत ने उत्थे लकड़ां इकट्ठियां करके अग बाल ली। इसे विचकार बसंत नूं दरखत ते बैठे हंस ते हंसणी दे जोड़े की आवाज सुनाई दी। हंस हंसणी नूं कह रहा सी, जे कोई इसे वेले मैनूं मार के खा लवेगा तां उह किसे देश दा राजा बनेगा। हंसणी ने भी कहा, वरदान मेरे कोल भी है, जे कोई मैनू मार के खा लवेगा तां उह राजे दा वजीर बनेगा। बसंत ने मन दे विच ही कुछ फैसला किया ते अपनी कमान ते इकट्ठे दो तीर चढ़ा लए। इको निशाने दे नाल दोवें हंस उसके कदमां चा डिगे। उन्हां नूं साफ करके बसंत ने बलदी अग ते उन्हां नूं भुन्निया ते फिर रूप नूं जगाया। बसंत ने हंसां दी सुनी गल दे मुताबक रूप नूं हंस परोसिया ते खुद हंसणी दा मास खाधा। खाणा खाण तों बाद रूप सौ गया ते बसंत फिर पहरा देण लगा। पर पूरे दिन की थकान ते रज के खाना खान तो बाद बसंत नूं भी नींद आ गई। सवेर होई रूप दी अख खुली तो उसने देखिया कि बसंत घूक सुत्ता पिया। रूप ने जदों बसंत नूं जगाया तो ना उठिया, उसके साह वेखे तो रुक चुके सी। रूप के पैरां हेठों जमीन निकल गई। रूप होके लैके रोंदा होया बसंत नूं जगाउण लग्या पर बसंत ना उठिया। आखिर रूप कफन का इंतजाम करन दे लई किसे शहर की भाल च निकल गया। तुरदे तुरदे संघना जंगल पार करते हुए रूप एक शहर के मुख दरवाजे ते जा पहुंचया। परदेसी घोड़सवार नूं देख के दरवाजे ते मौजूद भीड़ उच्ची उच्ची जयकारे लाउण लगी। रूप दे पुछण ते उत्थों एक दरबारी ने दस्या कि इस देश की परंपरा है, राजे दे मरण तो बाद अगली सवेर जो भी पहला परदेसी शहर दे विच दाखल हुंदा है उसे नूं राजा बनाया जांदा है। तू पहला परदेसी है ते राज सिंघासन दा मालक हुण तू है। कुदरत अपरंपार है। रूप उस देश दा राजा बन गया जिसनूं अजकल इजिप्ट जां मिसर कहा जांदा है। कुछ दिनों बाद रूप नूं बसंत की याद आई तो अपनी फौज की एक टुकड़ी लैके उस थां ते पहुंचया जिथे बसंत की मौत हुई सी, पर उसनूं उत्थे कुछ भी ना मिलिया। रूप ने अंदाजा लाया कि शायद जंगली जानवर बसंत की देह नूं खा गए होंगे, इसलिए वह वापस अपने महलों के वल मुड़ गया। उधर कुदरत की करनी जदों रूप कफन का इंतजाम करन गया सी तां उसे वक्त बसंत की देह कोलों एक जोगी लंघिया। जोगी ने अपने कोले मौजूद जड़ियां बूटियां दे नाल बसंत दा इलाज कीता ते बसंत ठीक हो गया। बसंत अपनी जान बचाउण वाले दे नाल ही उसकी कुटिया च पहुंच गया। बसंत नूं वी रूप दी याद आई कि किथे होएगा, किवें होएगा, शायद जंगली जानवरां दा खाइया बन गया होएगा। एक दिन बसंत घोड़े ते सवार होके शिकार खेडन निकलिया। संघना जंगल पार करता होया बसंत एक शहर के मुख दरवाजे ते आ खड़ा होया। उसने दरवाजा खड़काया तो अंदरों चौकीदार ने आले विचों दी आख्या, सरकारी हुक्म है ये दरवाजा रात नू नहीं खुलदा, परदेसी नौजवान तू भी इत्थों चला जा, इत्थे रात नू एक आदमखोर शेर आउंदा है, उसने हुण तक प्रजा दे कई बंदे मार मुकाए ने, दरवाजा सवेरे खुलेगा। बसंत नूं दरवाजे दे सामने ही एक टुट्टी हुई कुटिया दिखाई दित्ती ते उसने उत्थे ही अपना डेरा ला लिया। अजे बसंत जागदा ही सी कि आदमखोर शेर ने आके दहाड़ मारी, पर बाज वर्गी फुरती दे नाल बसंत ने तलवार दे इक्को वार च शेर दा सिर धड़ तों अलग कर दिता। शेर नूं मार मुकाउण तों बाद बसंत उसे कुटिया च सौ गया। सवेर हुई चौकीदार ने दरवाजा खोलिया तो देखिया कि शेर दे दो टोटे किते पए ने ते शेर नूं मारन वाला उत्थे ही सुत्ता पिया है। चौकीदार ने तुरंत शहर दे कोतवाल नूं सद्या, पर कोतवाल दे मन च खोट आई कि क्यों ना शेर नूं मारन दा इनाम खुद डकार लिया जावे। चौकीदार ते कोतवाल ने सुत्ते पए बसंत ते डंडियां दे नाल हमला कर दिता। उसनूं मरिया समझ के कोतवाल ते चौकीदार जंगल दे विच सुट आए। राजे नूं आके खबर दे दित्ती कि कोतवाल ने राती शेर मार मुकाया है।
चौकीदार ते कोतवाल नूं बहादुरी दे बदले बहुत सारे इनाम दिते गए। सारे शहर दे विच कोतवाल दी बहादुरी दे चर्चे हो रहे सी। उधर शेर नूं मारन वाला बसंत जंगल दे विच पिया करा रहा सी, पर रब दी करनी उसे शहर दा इक कुमार मिट्टी लैण दे लई जंगल पहुंचया। कुमार ने अपने खोते ते नौजवान नूं लद्दिया ते अपने घर लाया। कुमार ते कुमारी दे कोई औलाद नहीं सी। उन्हां ने बसंत नूं रब दी दात समझिया ते बसंत दी टहल सेवा शुरू कर दित्ती। बसंत भी सके पुत्तर वांगू उन्हां दे काम काज हथ वटाउण लग्या। कई महीने गुजर गए। एक दिन बसंत बाजार च घूम रहा सी कि कोतवाल की नज़र उस ते जा पई। अपनी चोरी फड़े जाण दे डरों कोतवाल ने बसंत ते एक वेसवा तो हार चोरी करन दा इल्जाम लगवा दिता। बसंत नूं जेल च सुट दिता गया। कुमार ते कुमारी ने बड़ी अर्ज कीती पर किसे ने एक ना सुनी। उधर एक दिन राजा रूप दे दरबार च एक सौदागर ने आके अर्ज कीती कि उस दा जहाज समुंदर च फस गया है। नजूमिया दा कहना है कि किसे मनुख दी बली देण दे नाल जहाज निकलेगा। राजा रूप ने कोतवाल नूं सद के उम्र कैद की सज़ा कट रहा कोई कैदी सौदागर दे हवाले करन दा हुकम दिता। कोतवाल दे लई इह सुनहरी मौका सी। उसने तुरंत बसंत नूं जेल चों कढ के सौदागर दे हवाले कर दिता। बसंत ने जहाज दे इंजन दे पुर्जियां नूं ठीक कीता ते जहाज चालू हो गया। सौदागर बसंत दी सियाणप तों इन्ना प्रभावित होया कि उसनूं अपना पुत्तर बना लिया ते जहाज ते ही रख लिया। जहाज कई महीने समुंदर दे पानियां चों लंघण मगरों कामरूप देश पहुंचिया। कहा जांदा कामरूप दीआं औरतां बहुत खूबसूरत सी। एक दिन सैर करदी होई कामरूप दी शहजादी चंद्रबदन अपनियां सहेलियां दे नाल बाग पहुंची। बसंत नूं देखदिआं ही चंद्रबदन अपना दिल हार बैठी। इस किस्से दा पहला भाग। दूजा भाग सुनियो जरूर। उदों तक खुशियां माणो, आबाद रहो, रब खैर करे।